देखिए, कल जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हुआ और उससे हजारों आदमियों को दिक्कत हुई, छोटे बच्चे, वृद्ध, बीमार, सब संकट में पड़ गए। कोई भी सभ्य समाज का नागरिक इसके समर्थन नहीं करेगा। और हाईवे जाम करने का किसी को हक नहीं है। सरकार हाई कोर्ट में गई, ये विषय रखा और हाई कोर्ट माननीय ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि हाईवे खुलवाया जाए। पुलिस प्रशासन ने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की, 1 घंटे तक उनको टाइम दिया और उसके बाद हाईवे को खुलवाया गया। जहाँ तक सूरजमुखी की खरीद का विषय है, पूरे उत्तर भारत में मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी प्रदेश इसकी खरीद नहीं कर रहा था। हरियाणा अकेला प्रदेश है जो सूरजमुखी किसानों की सहायता के लिए तैयार रहता है और हरियाणा की 80 लाख एकड़ जमीन में कोई 50,000 एकड़ में तीसरी फसल के रूप में सूरजमुखी की किसान खेती करते हैं। ये सही है कि जो MSP का भाव डिक्लेयर किया था उससे नीचे भाव था। इस बार सरसों का भी नीचे था, हमने सरसों की खरीद भी की। सूरजमुखी की खरीद का भी हमने हैफेड को आदेश दिया कि आप जो है खरीद शुरू करें कमर्शियल रेट पर, और किसान को कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने एडवांस में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का पैसा उनको DBT के से डालने का सरकार ने फैसला किया। ये एक किसान हितैषी फैसला था और सरकार की मंशा यही थी कि 15-20 दिन, 25 दिन तक भाव को देखा जाए और जो भाव मेंटेन होगा उसके बारे में जो बाद में कि भावांतर का सही राशि क्या हो उसका सरकार निर्णय ले। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, हम किसानों के हित में फैसला लेते हैं लेकिन कुछ किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग उनको ये चीज़ मंजूर नहीं है, उनको अपनी राजनीति करनी है। और ये वो लोग हैं जिनका कृषि से कोई लेना देना नहीं है, आड़त का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं और इनको जरा भी चिंता नहीं है कि हरियाणा के नागरिकों को सड़क जाम करके कितने तकलीफ देते हैं, हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। तो इस ऐसे लोगों के पास सड़क खाली कराने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। मैं तो किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ है। हर वो फैसला जो किसान हित में होगा वो हम करते भी हैं और करें भी गे। हमारे से बेहतर किसान हितैषी फैसले कोई भी दूसरी प्रदेश सरकार नहीं करती। लेकिन कुछ राजनीति के मोहरे लोग हैं जो किसान के नाम पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। हरियाणा सरकार जो है किसानों के साथ है और किसान के साथ जो भी फैसला करना होगा, किसान के हित में जो भी फैसला करना होगा वो हम करते रहेंगे। सर, जब अदर स्टेट में कहीं भी इस तरीके से प्रदेश सरकार खरीद नहीं करती, आप खरीद करते हैं, आपने कहा था कि आश्वासन दिया था कि अगर रेट ऊपर नीचे होगा तब भी आप लोग विचार कर लेंगे, आश्वासन के बावजूद क्यों इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है सरकार को? दूसरा, इस तरीके से जैसे हाईवे जाम किया, स्टेट हाईवे जाम किए, लोगों को भी सर परेशानी होती है, स्वाभाविक सी बात है इसमें। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो एक गिरोह के रूप में काम करते हैं,
जब चाहें जहां चाहें सड़क को जाम करके आम नागरिक को कष्ट देते हैं। इन लोगों को कानून की परवाह नहीं है, इन लोगों को किसान के हित से कुछ लेना देना नहीं है, इन लोगों की राजनीतिक मंशा है। ये विपक्षी पार्टी के नेताओं से इनका संपर्क है और ये किसान को हित के ना देखने के बजाय निजी हित देखते हैं। ऐसे लोगों से जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, हम राकेश टिकैत ने कहा कि वो आंदोलन बड़ा होगा, लाठीचार्ज किया सरकार ने, और बड़ा आंदोलन करेंगे, तो कैसे हैंडल किया जाएगा उस चीज़ को? मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ पानी की बौछारें छोड़ी गई थी और अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मानेंगे तो सरकार के पास और क्या विकल्प है कि वो बंद रहने दें राष्ट्रीय राजमार्ग को, हजारों लाखों लोगों को तकलीफ में छोड़ दें, और उनको कौन सा कानूनी अधिकार है कि जब चाहें राजमार्ग को बंद कर दें। आप कह रहे हैं कि ये जो वो राजनीतिक पार्टी बना ली आड़ती है, सीधा सीधा इस पूरे मामले में जो कल का घटनाक्रम है, सूरजमुखी की जो खरीद हो रही है वो फैफेड खरीद कर रही है मंडियों में, झांसी हमने फूलचंद की मंडी में कल सर 104 काफी खरीद हुई है, मतलब देखिए लेकिन इसके किसान की, बावजूद भी मैंने पहले जानकारी दी है कि हरियाणा के अंदर कृषि की 80-90 लाख भूमि है जिसमें खेती बाड़ी होती है। सूरजमुखी की खेती तीसरी फसल के रूप में लगभग 50,000 एकड़ के अंदर ये जमीन में फसल है और इन किसानों के हित में भी हमने कि भाव इनको अच्छा मिले, बाजार में भाव कम ना हो, हैफेड की खरीद का फैसला किया कि हैफेड हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बाजार भाव से खरीदे। 1,000 रुपये हमने DBT देने का फैसला किया कि कोई डिस्ट्रेस सेल ना करे, किसान के खाते में पैसा चले जाए। और बाद में हमने फैसला किया था कि महीना 15 दिन देख करके जो मार्केट का भाव और उसका MSP का भाव है उसका गैप है वो हम भरपाई करने के लिए सरकार विचार कर रही थी, लेकिन इन लोगों को किसान हित से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को हमेशा जल्दी रहती है कि अपनी राजनीति चमकाएं, सड़क जाम करें और उच्च न्यायालय के फैसले को भी ना माने। अब ऐसे लोग अब ये कह रहे हैं कि किसान के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उनको ये भी बताना चाहिए कि उनको ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके हजारों लाखों आदमियों को संकट में डालने का अधिकार किसने दिया है? सर, विपक्ष जो है वो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो MSP रेट है 6400 रुपये उसको सरकार को देने में क्या दिक्कत हो रही है, और 4,000 से लेकर 4,800 का जो पैमाना तय किया गया है ये किस आधार पर तय किया गया है? 6400 रुपये जो MSP है। विपक्ष से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि वो बताए, वो शासन में रहे उन्होंने कौन सी चीज़ की DBT दी थी, कौन सी फसल उन्होंने MSP पर खरीदी थी, उनके वक्त में कितनी फसलें खरीदी गई थी और उन्होंने कब सूरजमुखी, कब सरसों, कब बाजरा का भावांतर दिया था। आज वो हमारे अंदर कमी निकालते हैं, उन्होंने कब खरीदी थी और आज उनकी जो सरकारें हैं उन प्रदेशों में कहाँ खरीदी जा रही है। जिन किसानों को हिरासत में लिया गया था, कितने किसानों को जो है वो रिहा कर दिया गया है, क्या कुछ है उसकी स्थिति? खैर, मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं किसानों के हित को देखता हूँ, आम जनता के हित को देखता हूँ और इसके बारे में जो जानकारी है हमारे लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे पता करके मैं आपको बताऊँ। सर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि ये सरकार ना किसान की है, ना जवान की है, ना पहलवान की है, सिर्फ ये धनवान की है। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये देखना चाहिए कि उन्होंने अपने वक्त में किसानों के हित में क्या किया था। किसानों को 2-2 रुपए के चेक देते थे, किसानों की करोड़ों रुपए की ज़मीन को डर एक्विजिशन का दिखा दिखा के एक्वायर कर लिया गया था और किसान हमेशा मारे मारे फिरते थे।
एमएसपी पर खरीदनी होती थी, हमारे वक्त में जितनी खरीद हुई है, जितना रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने बारिश का ओले का पैसा दिया है, डीबीटी से हमने पैसा दिया है, पहले दीपेंद्र हुड्डा जी की पिताजी की सरकार में तीन तीन साल तक मुआवजे का पैसा पटवारी बांटते भी नहीं थे। तो नीतियां बना करके हम सुधार कर रहे हैं, वो अपना राजनीति करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसान किसान को पता है कि जितना किसान के हित में हमारी सरकार ने काम किया है इतना पहले कभी नहीं हुआ। सूरजमुखी फसल खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है सर, क्या कितने दिनों के लिए खरीद शुरू की गई है, क्या कुछ तिथि निर्धारित? सूरजमुखी मैंने आपको बताया कि है ही 50,000 एकड़ के अंदर, जो जो किसान लेके आएगा हमने हमारी एफेड को आदेश दिया है कि कमर्शियल रेट पर उसको खरीदे, और एफेड ने पहले 4600 में खरीदी, फिर 4700 में खरीदी, फिर 4800 में खरीदी, हो सकता है कि भाव ना मिलेगा तो ऊपर तक 5000 5500 6000 तक भी खरीद ले, और तभी हमें पता लगेगा कि असली जो भावांतर भरपाई का पैसा क्या मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।